evigt så længe. बोलिए जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के बेमिसाल दस्तावेज ने कि मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस चैनल के चेयरमैन वीरेंद्र चौधरी जी, सीएमडी जगदीश चंद्रा जी, मैनेजमेंट डायरेक्टर एडिटर पवन अरोड़ा जी एवं चैनल के लिए काम कर रहे सभी पत्रकार बंधु, सभी कार्मिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये फर्स्ट इंडिया का 10 वर्ष का सफर बहुत कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। मीडिया कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। आपने अब तक अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैं इसके बारे में इतना कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे पर छोड़िए। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जगदीश चंद्रा जी ने जिस भी चैनल को हाथ में लिया है, राजस्थान के अंदर उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि हम हमारा जो कर्म करते हैं उसकी दिशा ठीक हो, उसके प्रति मेहनत हो, लगाव हो, संघर्ष हो, तो जहां भी हम हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, ईश्वर उसमें कामयाबी देता है। अगर हमने विश्वास किया है अपनी मेहनत पर, अपने काम पर, अपनी ईमानदारी पर, तो निश्चित रूप से हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी मेहनत होती है और मेहनत अगर कहीं किसी तरह से हम पीछे रह जाते हैं तो उसकी बड़ी चिंता भी रहती है। क्योंकि मैं देखता हूं, राजनीति क्षेत्र में हूं तो मेरा पत्रकारों से ज्यादा संपर्क रहता है। अगर 2 सेकंड 5 सेकंड उसकी न्यूज पीछे रह गई तो ये मानिए कि उसका सब कुछ लुट गया। कभी कभी मेरे पास फोन आते हैं, जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, भाई साहब आप किसी की घोषणा करने वाले हैं? मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता, आपको कैसे पता है? लेकिन जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे बाद घोषणा होती थी और उनको किसी तरह से किसी को मालूम नहीं पड़ता था तो तुरंत फोन आता था, भाई साहब मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा आप अपना कर्म कर रहे थे, मैं अपना कर्म कर रहा था। देखिए कई बातें ऐसी होती हैं कि हो सकता है हमको भी नाराजी लगे, लेकिन वो उनका कर्म है। हो सकता है उनको नाराजी लगे, लेकिन हमारा भी कर्म है। लेकिन उसमें से सफलता की ओर चलना यह सबसे बड़ी बात होती है। मैं क्योंकि मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कभी कभी मैं कहता हूं कि अपने कर्म के आधार पर कुछ
निर्णय भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है वो एक दिन में नहीं बनेगी, एक दिन में नहीं बनती है, उसके लिए संघर्ष होता है, संघर्ष में उसका समर्पण दिखता है, भाव और भावना दिखती है। जब व्यक्ति हो या एजेंसी हो, उसकी ठीक प्रकार से पहचान और इमेज बन पाती है। कई लोग कहते हैं कि इसको इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती है, वो जल्दी उसकी मेहनत और उसके कर्म के आधार पर होती है और उसकी पहचान उसी के आधार पर बनती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल शॉर्टकट रास्ता अपनाने में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जो रास्ता होता है वो ज्यादा समय का नहीं होता है। अगर हम ठीक प्रकार से समय लगने पर अपने काम को अगर अंजाम दे रहे हैं तो वो लंबे समय तक चलने वाला और विश्वास पैदा करने वाला होता है। इसलिए मैं माननीय जगदीश चंद्रा जी को, वीरेंद्र जी को और पवन जी को मैं इस चैनल के 10 साल होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक दिन चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती है वो आपके और आपके जो परिवार है इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है। क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। आपको मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपका परिवार है उस परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस तरह से मेहनत और लगन और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री महोदय। ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ एक मिनट और लेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक आपने जो बातें कही है वो फलीभूत होती है आपके ही जीवन सफर पर अगर नजर डालें। और मैं चाहूंगी कि एवी के जरिए हम वो देखते हैं कि जो बातें मुख्यमंत्री जी ने अभी कही, हालांकि हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी भी हैं, बुके भेंट कर उन्होंने स्वागत किया। एवी प्लीज, क्योंकि ये एवी इसलिए जरूरी है, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही, सर मेहनत करते जाओ फल की इच्छा मत करो, एवी प्लीज। राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कर्मयोगी, संवेदनशील, मिलनसार, जमीन से जुड़े नेता, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, कहीं भी काफिला रोककर लोगों से मिल लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर पार्क में जनता से बात, राजस्थान के आम आदमी और आम कार्यकर्ता के प्रतिनिधि, सरपंच से लेकर राजस्थान के मुखिया तक का सफर। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए, अचारी ग्राम पंचायत के सरपंच से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, फिर बने पंचायत समिति सदस्य, बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े संगठन में कई अहम पदों पर किया काम, संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने से नहीं हिचकते, पहली बार सांगनेर सीट से विधायक चुने गए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरह
पीएम मोदी ने एक बार फिर चौंकाया, युवा हाथों को मिली राजस्थान की कमान। भजनलाल शर्मा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं रोज होगी जनसुनवाई, आम गरीब जरूरतमंद के लिए हर वक्त चिंतित। मुख्यमंत्री बनते ही जनहित में लिए कई बड़े फैसले, सबसे बड़े सियासी मुद्दे ERCB को सुलझाया। कोयला संकट हो या फिर कोई और समस्या, खुद करते हैं पहल। युवा, महिला, बुजुर्ग और सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान का लोकप्रिय चेहरा, जिनसे आम जन को मोदी की गारंटियां पूरी होने और एक संवेदनशील पारदर्शी प्रशासन की आस। आपके नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर अग्रणी है। भजनलाल शर्मा, प्रगतिशील राजस्थान की आस, जन जन का विश्वास। आपड़ो राजस्थान, अग्रणी राजस्थान। आपड़ो राजस्थान, अग्रणी राजस्थान, ये ध्येय वाक्य है हम राजस्थान के लिए भी। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे सीकर जिले से जो टीम आई हुई है मुख्यमंत्री जी को कुछ भेंट करना चाह रही है। ये खास इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी का वो दिन राम मंदिर को लेकर, जब राम लला विराजमान होंगे और वो प्रतिमा भेंट करना चाह रही।